हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है ECGC लिमिटेड की तरफ से, तो बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आई है 59 PO की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है और 31 जनवरी 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन में कुल 59 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से कि 9 पोस्ट हैं SC कैंडिडेट के लिए, 4 पोस्ट हैं ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 16 पोस्ट हैं OBC के लिए, 5 पोस्ट हैं EWS के लिए और 25 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरीके से इस नोटिफिकेशन में इन सारी पोस्ट को कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। अब इसमें बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो इसमें 21 से 30 साल के सभी कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे सभी एलिजिबल हैं और आपकी एज जो कंसिडर की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। इन सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट का जो जन्म 2 जनवरी 1991 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2000 के बाद अगर कोई कैंडिडेट जन्मा है तो वो कैंडिडेट यहाँ इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ इस नोटिफिकेशन में दोस्तों उन्होंने अपर एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को जो है 5 साल के लिए और जो भी पर्सन इफेक्टेड हैं 1984 रॉयड से उनको भी 5 साल का अपर एज में जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अब बात आती है यहाँ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसमें सभी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हों, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ सभी PO की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और जो इसमें क्रूशियल डेट है वो है 31 जनवरी 2021, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन जो है यानी जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो चेक की जाएगी। कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के टाइम पे अपनी ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी होगी, जिसके अकॉर्डिंग 31 जनवरी 2021 से पहले जो कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो और कैंडिडेट उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है एलिजिबल हो यहाँ इन पोस्ट के लिए। अब इसमें बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो 2 स्टेजेस के एग्जाम के बेसिस पे होगा। पहली स्टेज में आपका जो एग्जाम होगा वो MCQ टाइप टेस्ट होगा और इसमें कुल 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रीजनिंग और मैथ के 50-50 क्वेश्चन, GK और इंग्लिश के 40-40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इस तरीके से कुल 200 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो एक नंबर कैरी करेगा। इन 200 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आपको कुल 140 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड आपका पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा, उसमें जो आपका टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का और इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपका एसे राइटिंग, दूसरा आपका प्रेसी राइटिंग। दोनों ही क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे और इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुल 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ जो आपका स्टेज 1 का MCQ टाइप टेस्ट होगा उसमें जो है 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखी हुई है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सेंटर्स अभी तक डिसाइड किए हैं उसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इन्हीं सेंटर्स पे जो है आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इन सभी पोस्ट के लिए दोस्तों जितने भी कैंडिडेट होंगे जो दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू आपका जो होगा इसमें कुल 60 नंबर का होगा और जो रेशो रहेगी रिटर्न टेस्ट की और इंटरव्यू के नंबर की वो 80 और 20 की रहेगी। 80 नंबर आपके कंसिडर किए जाएंगे रिटर्न टेस्ट के अकॉर्डिंग और 20 नंबर की टोटल वेटेज रहेगी इसमें इंटरव्यू के नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ दोस्तों इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डाली हुई है, जो सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो वो सारी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते। यहाँ दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आपको अपनी फोटोग्राफ जो अपलोड करनी है, आपके साइन, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और एक अंडरटेकिंग देनी होगी, जिसकी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारी नेसेसिटीज हैं जो आपको चाहिएगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले ये सारी चीजें आपको तैयार करके रखनी होगी। तो बात आती है एप्लीकेशन फीस की। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस रखी हुई है 125 रुपए और 700 रुपए फीस रखी हुई है बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त जो आपको अपनी फोटोग्राफ की इमेज अपलोड करनी है उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन उन्होंने बताई हैं, जिसकी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और साथ ही यहाँ जो आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्राइटेरिया इन्होंने बताया, जिसकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो।
तो बात करते हैं इसमें सैलरी की। जो एट प्रेजेंट सीटीसी है पीओ की पोस्ट का ईसीजीसी में, वो लगभग 13 लाख रुपए सालाना है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।